सर, अन्ना जी दोबारा रैली प्रदर्शन करने वाले हैं सरकार के विरुद्ध किसान के मुद्दों को लेकर के, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? पिछले बार जब अन्ना जी दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए थे, एक दिल्ली सरकार आई थी, क्या लग रहा है अन्ना जी का दोबारा फिर से उतरना? देखिए, जब अन्ना जी ने पिछली बार आंदोलन किया था तब देश के हालात बिल्कुल अलग थे, घोटाले पर घोटाले हो रहे थे और सरकार भी अस्थिर थी और सरकार को भी खुद पता नहीं था कि किस दिशा में जा रहे हैं। स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मोदी की जी के विकास की नीति पर एक नहीं कई बार मोहर लगी और हाल में उत्तर प्रदेश में भी मोहर लगी है निकाय चुनाव में। अन्ना जी जो कुछ कर रहे होंगे सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरह के हालात हैं, उस तरह की परिस्थितियाँ हैं। हाँ, किसानों को तकलीफ ज़रूरी हुई होगी जीएसटी को समझने में, जीएसटी के लिए कार्यकाल करने में, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को भी पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा से हमें सबको गुजरना पड़ता है। और ये ही नहीं है, जब जब परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के साथ साथ लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट फ़ायदेमंद हुआ है। तो मैंने अन्ना जी के साथ काम किया है, मैं जानता हूँ वो सच्चे और सीधे आदमी हैं, लेकिन जो लोग उनको ये सीख दे रहे हैं उनको कम से कम समझ लेना चाहिए कि परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। अन्ना जी को एक बार भी वो ममता बनर्जी के साथ धोखा दिलवा चुके हैं और इस बार भी अन्ना जी को वही होगा। अब ना तो कोई केजरीवाल होगा और ना कोई मनीष सिसोदिया होगा, अब माहौल बदल चुका है। अब जो कुछ भी उनको अगर विरोध करना है तो दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध करें। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, कहाँ गए वो सारे वादे? उनके खुद के लोग आज, सबसे बड़ा सवाल कुमार विश्वास